हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्मन क्लास। आज हम देखेंगे याना इन फ्रागा जर्मन में। याना इन फ्रागा क्या होते हैं जर्मन में, कैसे उनको यूज करते हैं। तो याना इन फ्रागा का मतलब होता है कि जिसका आंसर यस और नो में होगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा और इसका जो आंसर दोगे आप वो यस या फिर नो में दोगे। अब हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो सेंटेंस होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब एट फर्स्ट प्लेस। तो अगर ऐसा होता है तो आपका जो आंसर है वो यस और नो में बनेगा। तो इसको बोलते हैं या नाइन फ्रागा जर्मन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम देखते हैं एक बार कि एक एग्जांपल की हेल्प से। जैसे एक वर्ब लिया मैंने जाइन, ठीक है, जाइन का मतलब होता है टू बी। मैंने क्वेश्चन बनाया जिंड जी स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, इसका आंसर आप क्या दोगे, या स्टूडेंट, यस आई एम स्टूडेंट। आप नाइन भी बोल सकते हो, नाइन इश्विन काइन स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट। काइन आता है क्योंकि नाउन से पहले काइन आता है। तो ये आपका हुआ या नाइन। हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से। अब जैसे मैंने वर्ब लिया हाबन, क्वेश्चन बनेगा हाबन जी आउटो, क्या तुम्हारे पास एक कार है, आप आंसर क्या दोगे, या अगर है तो यस आई हैव अ कार, या इश हैव आई आउटो। तो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड या नाइन क्वेश्चन। हमने यहां पे स्टार्ट किया हाबन से, ठीक है, और इसका आंसर हम देंगे या यस में। तो ये वर्ब है हाबन और इसका आंसर यस और नो में हमने दिया है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक और वर्ब लेते हम स्पीलन, मींस टू प्ले। क्वेश्चन क्या बनेगा, सपोज जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, ये डू वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो स्पीलन जी, या हम लिख सकते डू के साथ भी स्पील्स डू क्रिकेट, इसका आंसर आप दोगे नाइन दे दो, नाइन इस पीले फुटबॉल, नो आई प्ले फुटबॉल, ये भी करेक्ट है। तो यहां भी आप देख रहे हो दोबारा स्पीलन वर्ब है और इसका आंसर नाइन में दिया है। सो दिस इज कॉल्ड या नाइन फ्राग, मतलब वर्ब से स्टार्ट होगा क्वेश्चन और इसका जो आंसर होगा वो यस और नो में होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। मोडल वर्ब के साथ भी हम बना सकते हैं, अगर आपको मोडल वर्ब्स पता है जर्मन में, तो चलो मोडल वर्ब लेते हैं। जैसे म्योस्टन, वुड यू लाइक, म्योस्टन जी कोला ट्रिंकन, क्या आप कोला पीना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो इसका आंसर हम देंगे या इस म्योस्टे, पहले या और नाइन आएगा, ठीक है, ये जरूरी है, कोला ट्रिंकन। तो पहले आपको या और नाइन लिखना, उसके बाद ही आपका आंसर स्टार्ट हो। तो यहाँ पे म्यूस्टन वर्ब है और ये हमने स्टार्ट किया या और नाइन से। एक और देख लेते हैं हम मोडल वर्ब, क्योनन, जैसे क्योनन जी फुटबॉल स्पीलन, कैन यू प्ले फुटबॉल, तो इसका आंसर हम देंगे नाइन आई कैन नॉट, मैं नहीं खेल सकता, इश्कान निष्ट स्पीलन, तो ये भी करेक्ट हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्योनन वर्ब को यूज किया था तो यहाँ पे इसका आंसर नाइन में आया, ऐसे यहाँ पे म्योस्टन को किया था तो ये या में आया। तो दिस इज कॉल्ड या नाइन फ्राग, कि अगर आपका क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होगा, चाहे वो मोडल वर्ब है चाहे वो नॉर्मल वर्ब है, तो उसका आंसर आपको या और नाइन में ही देना पड़ेगा। तो अगर आपका क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है, वर्ब कोई भी हो सकती है, ठीक है, नॉर्मल वर्ब या फिर मोडल वर्ब, यही दो कैटेगरी होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो आप दोगे या फिर नाइन में, मतलब यस या फिर नो, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आपका पूरा ही इजीली हो जाएगा, इस टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है ये, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ आ गया तो दैट इज परफेक्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। तो ये होता है या नाइन फ्राग।
इसके अलावा एक और तरीका जो होता है वो होता है सिंपल डब्लू फ्राग। डब्लू फ्राग आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं, चलो उसका भी थोड़ा बता देते हैं। तो डब्लू फ्राग क्या होता है, इसको बोलते हैं वे फ्राग, जर्मन में वे फ्राग मतलब डब्लू फैमिली। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, व्हाट, हाउ, वेयर, वेयर टू, फ्रॉम वेयर, व्हेन, हु। चलो इनको देखते हैं अब हम, 3, 4, 5, 6, 7 है। अब पहले इनके मीनिंग देखते हैं जर्मन में। वाज मीन्स ठीक है, व्हाट वाज, वी हाउ, वेयर मीन्स वो, और वेयर टू मीन्स वोहिन, और फ्रॉम वेयर वोहिन वो है, और व्हेन व्हेन मीन्स वन, और हु वेयर। अब देखिए मैं इन तीनों को डिस्क्राइब करूंगा, पहले वो, वोहिन और वो है। वोहिन मीन्स आप एक जगह पे स्टेबल हो, ठीक है, जैसे वेयर डू यू लिव, ठीक है, ये होगा वो का एग्जांपल। तो चलिए दूसरे पेज को यूज करते हैं। वो क्या होता है, वो मतलब आप यहाँ पे हो और आपकी लोकेशन ये है। अब मैं आपसे पूछता हूँ वेयर आर यू, वो जिंदगी, आप एक जगह पे स्टेबल हो, आप कहीं जा नहीं रहे हो, तो आप बोलोगे इश बिन इन दिल्ली, या बोलते हो इश बिन सू हाउस, आप एक जगह पे हो, ये होता है वो। एक जगह पे आपकी मूवमेंट नहीं, आप स्टेबल हो, ठीक है, तो वो यूज होगा। अब दूसरा देखते हैं वोहिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोहिन मतलब होता है आप यहां पर हो, यहां पे जा रहे हो, आप इस प्लेस से ए से आप बी पे जा रहे हो, तो जाना मतलब मूवमेंट। तो यहां पे जो वर्ब होंगी यूज वो होगी गेयन, फारन, ठीक है, फ्लीगन, मतलब जो भी आप जाने के लिए यूज करते हो, ट्रेवलिंग वर्ब, राइजन, इनसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, वोहिन गेयन जी, ठीक है, वोहिन फारन जी, वोहिन राइजन जी, वोहिन फ्लीगन जी। तो ये होता है वोहिन, मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप यहां से आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका वोहिन है। वो में आप स्टेबल हो, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। हम नेक्स्ट देखते हैं, वोहर, वोहर मतलब फ्रॉम वेयर, आप यहां हो और यहां से बाहर आ रहे हो, मतलब ए से आप बी की तरफ आ रहे हो बाहर, फ्रॉम वेयर मतलब आना। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो होगी डेफिनेटली कॉमन, और जाइन भी हो सकती है। तो वो है कॉमन जी, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ध्यान रखना। वो है कॉमन जी मतलब वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका आंसर क्या होता है, हाउस इंडियन, अपनी कंट्री का नाम दोगे आप, ठीक है, या आप कोई अगर प्लेस से आ रहे तो उसका नाम दे दोगे, कहीं ऑफिस से आ रहे तो फॉन डेयर आरबाइट, वर्क से आ रहे हो इसको में फॉन्डेयर आरबाइट, ठीक है, इसको में फॉन्डेम सुपरमार्केट, कम आउट, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट प्लेस, फॉन्डेम सुपरमार्केट, फॉन्डेयर आरबाइट, ठीक है। तो ये होता है वोहर का यूज, फ्रॉम वेयर। अब हम देखते जो हमने बेसिक पता था, वास, वास मतलब व्हाट, जैसे वाज माखन जी, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन हो गए सिंपल। और क्या लिख सकते हैं, वाज लर्नन जी, इसमें जितनी ज्यादा आपको वर्क पता होगी उतना आप लिख सकते हो, वाज स्पीलन जी, ठीक है, वाज काउफन जी, आप क्या खरीद रहे हो, क्या खेल रहे हो, तो ये सब वाज के साथ हो गए। वाज एसन जी, व्हाट आर यू ईटिंग, वाज त्रिंकन जी, तो मैं सिर्फ वर्क चेंज कर रहा हूं, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है, वास के साथ मतलब व्हाट। तो आपको वर्ब आती है तो आप इजीली क्वेश्चंस बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर, वेयर मींस हु, जैसे वेयर इज इन डिजी, हु आर यू, फॉर्मल और इनफॉर्मल,
वेयर बेस्ट टूल। और क्या लिख सकते हैं हम, वेयर इज दाइन फादर, हु इज योर फादर। तो इसका मतलब हु है। आप जितने भी क्वेश्चन इंग्लिश में हु से बनाते हो, जर्मन में भी बना सकते हो। जैसे हु इज योर टीचर, वेयर इज दाइन लेरर, हु इज दिस, वेयर इज दास, हु इज दिस। अब इसका आंसर लिख दोगे, दास इज टिम, दिस इज टिम। तो ये वेयर हो गया। तो बहुत सिंपल, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चंस बना सकते हो। हम देखते हैं वन। वन का मतलब होता है कब, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। तो कब, अच्छे से ध्यान रखना कब होता है। अब जैसे वन, वन स्पीलन जी, आप कब खेलोगे, आप कब शॉपिंग करोगे, वन काउफन जी, आइन, आइन का ओपन, ठीक है, शॉपिंग। वन लर्नर जी, वही दोबारा वर्ब आपको जितनी ज्यादा याद है आप बना सकते हो, ठीक है। वन श्लाफन जी, व्हेन डू यू स्लीप। वन गेन जी, आप कब जाओगे। तो ये देखो, ये वन के साथ है। तो बहुत सिंपल है, मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।